हैप्पी बसंत पंचमी फॉर यू। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पीड़ा पुस्तक वंदित हस्ते भगवती भारत देवी नमस्ते। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आर्थिक विकास करें। कोटा में इस साल सुसाइड का चौथा केस सामने आया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रहने वाले एक स्टूडेंट ने सोमवार रात अंधे पर लटक कर जान दे दी। छात्र 2 साल से कोटा में रहकर जेई की तैयारी कर रहा था। सोमवार को रात ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया, उसके बाद स्टूडेंट सुसाइड कर लिया। सुसाइड केस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हैं, जिसमें एक है बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट को न जानना। बच्चे के बॉर्न टैलेंट के हिसाब से उसका कैरियर सिलेक्शन किया जाए तो केस नहीं आएगा, अर्थात क्लास 10th के बाद प्रत्येक बच्चों का कैरियर काउंसलिंग कराना अति आवश्यक है। कैरियर काउंसलिंग से बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट पता चलता है, उसका बिहेवियर पता चलता है, पर्सनालिटी पता चलता है, लर्निंग पैटर्न के बारे में पता चलता है, वह किस क्षेत्र में सक्सेस होगा इसके बारे में पता चलता है। यदि बच्चे इनबॉर्न टैलेंट के अनुसार कार्य करेंगे तो जल्दी सक्सेस होंगे। साइट का दूसरा कारण है बैड हैबिट्स, जैसे नशे का लत, बुरी संगत, यह दूसरा मूल कारण है सुसाइड करने का। तीसरा कारण है टेंशन। आजकल बड़े बड़े कोचिंगों में ओवर लोड दिया जाता है, जिसके कारण बच्चों को टेंशन आ रहा है। टेंशन के कारण वो कैंपस सिकुड़ रहा है, जिससे बच्चों में भूलने की बीमारी आ रही है। मेहनत के अनुसार टेस्ट में अच्छे अंक न आना, एग्जाम पीरियड में भूल जाना टेंशन को बढ़ावा देता है, जिसके कारण जिस बच्चे का एडवर्सिटी कोशियंट कमज़ोर होता है वह सुसाइड कर लेता है। गलत विषय का सिलेक्शन, अर्थात गलत विषय या गलत ट्रेड का चुनाव, या बच्चे की क्षमता के विपरीत कार्य करवाना ही सुसाइड का कारण हो सकता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी बच्चा सुसाइड के बारे में सोचता है। यदि पेरेंट्स कर्ज लेकर कोचिंग में एडमिशन करवा देते हैं और वहाँ पर उसकी क्षमता से ज़्यादा वर्कलोड मिलता है और वह कर नहीं पाता है तो उसे टेंशन होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फीस भी वापस नहीं करते हैं तो वह अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है, पैसे के बारे में सोचता है और लास्ट में सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। सुसाइड करने के और भी कारण हो सकते हैं। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको इसके अलावा और भी कारण समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं वाराणसी में ब्रेन बूस्टर स्कूल में ब्रेन ट्रेनिंग, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर सिलेक्शन, कैरियर गाइडेंस एवं एवाकस वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग देता हूं। मैं पेरेंट्स को यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चे की क्षमता के बारे में जाने और उसके अनुसार उसका एडमिशन करवाएं। बच्चे की क्षमता कैसे जाने, इसके लिए पेरेंट्स के पास कोई मापदंड नहीं है। पेरेंट्स आसपास लोगों से पूछते हैं, लोगों के पास भी इसका कोई विशेष मापदंड नहीं है, वह कुछ सही नहीं बता पाते हैं। अतः यदि आप कन्फ्यूजन में हैं, कैरियर निर्धारण करवाना चाहते हैं
तो ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर बच्चे के ब्रेन के नेचर के बारे में जानें और कैरियर काउंसलिंग करवाएं। उसके बाद बच्चे के ब्रेन के नेचर के अनुसार उसका कैरियर सिलेक्शन करें और जीवन में सफल बने। पेरेंट्स, आस पड़ोस, रिश्तेदार को देखकर बच्चे का कैरियर सिलेक्शन ना करवाएं। जो कार्य खुद नहीं कर पाए वह बच्चों से अपेक्षा ना करें, बच्चे के रुचि के अनुसार विषय दिलाएं। धन्यवाद, नमस्कार, अगेन हैप्पी बसंत पंचमी।